तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब टाइटल और थंबनेल देख के तुमको पता तो लग ही गया होगा कि इस गेम प्ले में क्या होने वाला है। भाई तबाही होने वाली है। और कोचिंग की में इतने बंदे कब से उतरने लगे हैं बे। वेल जो भी हो, मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो तुम लोग को कमेंट सेक्शन बताना है। क्या लगता है इस वीडियो में तुम्हारा भाई 40 किल कर पाएगा या फिर नहीं? सच बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ा टास्क है ये। तेल निकल जाएगा करने में, लेकिन जब UMP हो साथ तो डरने की क्या बात। भाई बवाल गन, वैसे मैं बवासीर बोलने आ रहा था, बट बवाल गन है भाई, ऑसम गन। बस तुम देखते जाओ, बंदे मिलेंगे और तुम्हारा भाई जिनको छीलेगा ना, आय हाय हाय, तुमको मजा आ जाएगा। लेकिन बस एक ही शर्त है, गेम प्ले एंड तक देखना, बीच में छोड़ के निकल मत लेना। अभी देखो, दो बंदे ऑलरेडी ठोके जा चुके हैं, चारों तरफ से फायरिंग हो रही, समझ में नहीं आ रहा किधर जाओ। तो ऐसे में जो नियरेस्ट फायरिंग है ना, तो वहीं पर हम चले गए। बस उम्मीद यही थी कि ढेर सारे बंदे मिल जाए। अब ये भाई साहब नशे में थे, तो इनको तो धर लिया गया, लेकिन क्या टीममेट यहीं पर है। भाई पूरी स्क्वाड फूक के आई है, मतलब तुम देख रहे हो कैसे बिना देखे कुछ भी चेक करे कूद फांद के आ रहे मेरे को मारने, और एक एक करके पेटी बन रहे। यहाँ पर बहुत स्मोक हो रखा है, तो मतलब समझ रहे हो बहुत खतरनाक जगह है ये। भाई क्या चल रहा है यार, लोग सरवाइव करने के लिए स्मोक करके बैठे हुए सीढ़ियों पे। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक माहौल रख गए। देख रहे हो, मतलब सड़कों पे किल मिल रही है भाई, लोग घर में नहीं रुक पा रहे, उनको बाहर आना पड़ रहा है बचने के लिए, और बाहर कौन मिल रहा है फिर, मैं जाए तो ये जाए कहां बेचारे। ये देखो, मतलब तुमको जहां पर लगा कि थोड़ा तुम सेफ हो, थोड़ा लूट लेते हैं, तभी उसी टाइम पे कोई बंदा तुम पे EDS लेके तुमको वाट लगाने के लिए रेडी रहेगा। वेल जो भी हो, इस समय किस तरीके से बच तो गया था, बट इसको छोड़ने वाला नहीं था भाई। भाई हर घर की खिड़की से सिर्फ बंदे ही टपक रहे। अबे कितने लोग आ गए उधर, और सबके पास गन कैसे है। अच्छा हाँ, मैं तो भूल गया था, इस एरिया में तो बहुत ज्यादा लूट मिलती है, तो इसी वजह से सब इधर ही आ रहे। भाई आजकल ये जो अकेला घर रहता है ना, यहाँ पर भी लोग काफी रुकने लगे हैं। कल भी यहाँ पर मेरे को किल्स मिले थे, आज भी मिल गए। वेल वो बंदे नॉक हुए हैं, फिनिश नहीं, क्योंकि इनका टीममेट यहीं पर घूम रहा है। आई थिंक ये TPP लेके मारने के लिए आ रहा था, लेकिन मर गया कुछ। भाई तुम किल फीड देखते जाओ, मतलब रुक नहीं रही है फायर ऑफ के नाम की, मतलब रुक गई फिलहाल के लिए कहते ही, लेकिन हम इतनी आसानी से रुकने नहीं देंगे भाई, चलाने की फुल कोशिश। अभी ये बंदा था क्या, मैं इसे बॉट समझ रहा था। वेल जो भी हो, इसको भर दिया है, लेकिन सामने वाले घर में अभी भी बंदे बच रहे हैं शायद यार। भाई कितने लोग हो उस घर के अंदर, का मतलब है मिल बांट के रह रहे थे क्या उधर। अरे भाई किस्मत देख रहे हो, बेचारा दरवाजा टूट गया और वो नॉक हो गया। अब जो भी हो, यहाँ पर अभी एक बंदा दिख रहा है, पता नहीं नॉक है या फिर जिंदा है, मालूम नहीं, मौली डालते कोने में ही है। भाई बंदा था, फुटस्टेप आए थे, टोस्टी भाई, टोस्ट हो गए दोनों अंदर ही। लेकिन अब ये घर क्लियर हो चुका है फाइनली, पता नहीं कितने लोग थे यहाँ पर भाई, भगवान जाने। लेकिन इतना पता है कि पूछिंग अभी भी बहुत बंदे बच रहे, और तुम्हारे भाई को ऑलरेडी 18 या 19 किल हो चुके, मुझे दिख नहीं रहे 18 किल आई थिंक।
ओ भाई, इस तरह किल मिलते रहे ना, मजा ही आ जाए। यार इसकी टोपी दिख रही है, ये खड़ा हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ बस जो भी हो, ये तो नॉक हो गया है, लेकिन अगर ये नॉक हुआ है तो इसका मतलब इसके आसपास बंदे तो जरूर होंगे, तो चलो उनको भी ठोकते हैं। लेकिन उससे पहले यार इसके दिमाग में पता नहीं क्या है, कूद गया भाई। पहली बार मैंने इस तरह किसी को कूदते हुए देखा है। नॉक होने के बाद आमतौर पर लोग थ्री स्टोरी में ही रुकते हैं। अरे यार ओवरकुक्ड हो गया, वरना ये तो दबता इधर ही। लो भाई नॉक हो गया। भाई यूएमपी बहुत गंदी गन है भाई, इसको नर्फ करना मंगता है यार। मतलब देख रहे हो, M4 की एक्यूरेसी मतलब उतनी बढ़िया नहीं है जितना, मतलब एक्यूरेसी नहीं, आई थिंक रिकॉइल भाई इतना चुम्मा रिकॉइल है ना यूएमपी का, मतलब भाई रेड डॉट लगा के हेड शॉट मारो, बस मजे करो भाई। ये क्या बचा है, मेरे को तो लगा था नॉक हो गया। वेल जो भी हो, ये फिनिश हो गया। और तुम्हारे भाई के 22 किल हो चुके हैं, 22 किल, और पोचिंग की ये बाहर तक नहीं गया ये बंदा। अभी कितने लोग हो यहाँ पर, इसको देखो जरा भाई, इतना खतरनाक मौली पे जल रहा है ये बंदा, बेचारा क्या ही करे। फिनिश हो गया ये, लेकिन भाई सामने वाला जो स्क्वाड है ना, वहां पर इसके साथी हुए, और इसकी मौत जिस तरह हुई है ना गेम में देखने के बाद, इनकी फट गई है। लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि ग्रेनेड की इधर कोई कमी नहीं है, कहां भाग के जाओगे। चलो भाई ये तो निपट गए, लेकिन साइड से डीपी चली थी तो मतलब बंदे अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए भाई। बंदे क्या यहाँ पर, अभी पूरी स्क्वाड आने वाली है, देखते जाओ। यार यहां पर कोई है बट वो पीक नहीं दे रहा है, शायद डीपी वाला ही है। अरे भाई ये इधर कब आया। वेल जो भी हो, ये नॉक तो हो गया बट फिनिश नहीं हो पाया यार। अब देखो इधर एक बगी आई और एक गाड़ी, अब ये कोई और था, बगी वाला दूसरी तरफ गया था। अब बगी वाला तो नहीं मिला बट गाड़ी के अंदर ये भाई साहब बैठे थे, इनको तो ठोक दिया गया, लेकिन इनके ऊपर कोई फायर कर रहा था, मतलब वहां पर अभी भी बंदा है एक। एक क्या बोलू, यहां पर इस हिसाब से बंदे आ रहे भाई, कितने भी हो सकते हैं कुछ पता नहीं। और यहां पर अब चारों तरफ फुटस्टेप आते हुए पूरी स्क्वाड का हमला इधर हो चुका है। पेन पेन को देखो, टीपीपी कहां से ले रहा है, टाइमिंग भाई को छुपते हुए देख लिया। इनका टीममेट जस्ट पीछे है बट पुश नहीं कर रहा है वो, तो चलो इनको फिनिश ही कर देते फिर। तो भाई साहब पुश करने की जगह नेट डाल रहे थे, तो नेट से तो हम बच गए बहुत आराम से, लेकिन अब इनको आ गया गुस्सा, ये कर रहे हैं पुश और पेन पेन छाती तान के रास्ते में खड़ा, हट जा वहां से। चलो भैया ये खत्म, इनका एक और साथी आ रहा है बहुत गुस्से में। ओ भाई क्या बचा ये, इनकी तो कॉपी चेक हो गई, इनका फ्रेंड जस्ट नीचे है। अरे हील करना था तुमको बाबू। अगर जो भी हो, जोन आ गया, अब जोन में निकलने का सोच ही रहा था, लेने आया था बगी, लेकिन वो बंदा याद है ना जो फायरिंग कर रहा था, वो अभी भी यहीं छुपा हुआ है, तो चलो उसको मारते हुए चलते हैं। भाई किल्स देख रहे हो, एक स्किल हो चुकी हूँ ऑलरेडी, और तुम खुद बताओ क्या पोचिंग की से जरा सा भी बाहर गए हो भाई, क्या पूरा सर्वर उतरा है पोचिंग की में। अरे यार ये फुल स्पीड में भाग रहा,
अब देखो इतना तो है कि सीढ़ी की तरफ जाएगा टीपीपी लेने, एक मॉले डालते हैं फिर पुश करके देखते हैं क्या होता है। भाई जाल में फंस गया, मॉली की वजह से पीछे जा ही नहीं पाया, इजी किल मिल गई। उसके बाद फाइनली गाड़ी लेके अपन ये जॉर्ज पूल के पास जो झोपड़ी होती ना यहाँ पर आ गए और यहीं पर पूरा गेम खत्म हो गया। बस देखते जाओ कैसे बंदे मिलेंगे। अब देखो वो हम मुझे मार रहा था बट वहां पर एक और टीम थी और उनके बीच में हो गई लड़ाई और बकी वाले ने एक नॉक भी निकाल दिया। वो दो निकाल किस कौन किस कौन किसको मार रहा है, बस जो भी हो इसको हमने नॉक कर दिया। अब जो है यहां पर पुश करा जाएगा उस बंदे के ऊपर जो कि नॉक हुआ है, क्योंकि वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है तो यहां पर किल मिल सकती है एक फ्री की। वो देखो भाई साहब पड़े हुए इधर, इनको फिनिश कर देंगे लेकिन इनके बाकी छोरे कहाँ हैं, एक तो सामने दिख रहे हैं। चलो भैया कॉपी चेक हो गई, ये तो डायरेक्ट फिनिश हो गया यार, नॉक था क्या। चलो अच्छा है वो किल चुराई, ये भी किल चुराई, इसे कहते हैं मतलब हम क्या हम गुठलियों के दाम, उसको भी मारा उसके दोनों किल को भी ले लिया। अभी देखो स्क्वाड का बंदा बच रहा था जिसके दो बंदे मैंने चुराए हैं और वो यही था गिली सूट वाला, और भाई ये बंदा आखिर तक बचेगा। अब इसने टायर कर दिया था पंचर तो अब यहाँ पर बग्गी छोड़नी पड़ेगी। और भाई गिली सूट का पावर ना बहुत खतरनाक होता है, इसको कोई देख ही नहीं पाया पता है, आखिर टाइम तक एकदम प्रोन होके बचा रहेगा। अब देखो मन तो कर रहा है कि उठाऊ लैम्बोर्गिनी और पूरे में नचाऊंगा और सबके ऊपर चढ़ा दूं, लेकिन भाई यहाँ पर कोई भी हो सकता है और दिल मान नहीं रहे, और तुमको पता है भाई कैंपर्स हर जगह होते हैं। ये भाई सब भी गए, अब यहाँ पर हम कल वाली स्ट्रैटजी अपनाएंगे, मतलब बिल्डिंग में ही रह के सबको बचाएंगे। तो ये भी गए, अब तीन बंदे बच रहे हैं जिसमें से एक तो मैं ही हूँ, तो मतलब दो बंदे। भाई भाई फुटस्टेप, मेरे को लगा ही था यार कि ये बहुत गंदा कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कौन प्रोन होता है ओपन में। अब भाई हेल्थ है नहीं और ये बैरल लेके पुश कर रहा है। अरे भाई पीछे एक बंदा है। अब भाई यहाँ पर सबसे पहले हील करना पड़ेगा, और जिस बंदे ने फायर करा था ये वही गिली सूट वाला था, और मौका देख के ये भाई साहब आ गए आगे। इनकी स्ट्रैटजी थी कि भैया जोन कीप करो, अब इनको बजा तो दिया था कायदे से, लेकिन पुश करने में लग रहा था थोड़ा डर क्योंकि भाई के पास काफी अच्छा कवर है। भाई साहब 38 किल्स हो गए, एक ही बंदा बच रहा है, 40 किल नहीं हो पाएंगे यार, लेकिन कितना करीब थे हम यार। लग रहा है 39 भी नहीं हो पाएंगे जिस हिसाब से ये बंदा मार रहा है, लेकिन भाई पुश अप कर ही दिया जाए। कितने इजी चिकन डिनर विद 39 किल्स, अब तो लाइक कर दो यार, तो सब्सक्राइब भी कर लो, नहीं करा दो।